आपके गांव में जो है कि जर्जर तारे हैं, रोज जो है कि जो टूट रहा है। आपने गाजीपुर का मामला देखा होगा, एक बस जा रहा था उसमें 50 लोगों ने जो दुर्घटना में जलकर मर गए, उसको सारी समस्याओं को देखते हुए लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करना। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम जिशान अहमद है जी, बसपा युवा नेता है जी, जी। और हमारा नगर पंचायत है कट्टागर जी, नगर पंचायत में जी, तो इसी फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं जी। आज ईद का पर्व चल रहा है जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं, और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो भी ईद मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, क्यों, इसका क्या मतलब? देखिए, ये तो एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह मनाया जाता है, रोजा 30 दिन रखा जाता है, उसके बाद अपना आप लोग, उसके बाद ईद का अवसर आता है जी, जिसमें आप हम लोग दुआ करते हैं, अपना जितनी भी गुनाह होती है उसको कोशिश करते हैं कि कम कर लिया जाए, वो तो अब माफ़ करने वाला ऊपर वाला है जी। जो भी ईद का जो त्यौहार है जी, जिसे बहुत तो अल्लाह के हिसाब से इसको बहुत पाक जी जी, और कर लीजिए जो भी कुछ कर लीजिए अपनी भाषाओं में कम पड़ेगा, तो इसके लिए क्या आप शुभकामना संदेश क्षेत्रवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए, जनपदवासियों के लिए देना चाहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सारे लोग हमारे यहाँ आके चले गए हैं, कोशिश यही रहेगी कि एक दूसरे से भाईचारा बने रहे, यही चाहते हैं। भविष्य में क्या आपकी उम्मीद है? भविष्य में यही है कि सबको लेके एक साथ चला जाए, जो जातिवाद और तरह तरह का प्रवण गंडा चल रहा है उसको खत्म देखते हुए सारा एक श्रेणी में रख के अपना कार्य किया जाए, सबको एक समान और एक साथ लेके चलने का विकास करना। भविष्य में क्या राजनीति, किस दल पार्टी से, चाहे कैसे, किस तरह का राजनीति करेंगे? जी जी, बसपा सही होगा, बसपा सही करेंगे जी। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ईद के पर्व पे आज मुझे अवसर मिला है आपके माध्यम से बात करने का। मेरा नाम विपिन राव, बहुजन समाज पार्टी युवा नेता, मेरा घर बगल में है, विधानसभा 357 बेलथरा रोड के रहने वाला हूँ। और बताइए, जो ईद का त्यौहार जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, इस पर क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, ये ईद का जो पर्व है, पहले तो पूरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों को मैं इस ईद के पर्व पे सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पर्व पे, क्योंकि ये पर्व एक दूसरे को मनवता से जोड़ने का काम करती है, एक मोहब्बत पैदा करती है, एक भाईचारा पैदा करती है। हम जो है कि जिस तरीके से इस देश में भारत का संविधान कहता है कि जितनी आज़ादी इस देश की हिंदुओं की है, उतनी आज़ादी इस देश की मुसलमानों की है, जितनी आज़ादी इस देश की मुसलमानों की है, उतनी आज़ादी इस देश की क्रिश्चनों, पारसियों की है, और भाईचारा बनाने की बात करती है, समता की बात करती है। इसी के साथ हम एक भाईचारा के साथ, एक मोहब्बत के साथ अपने मित्र भाई जिसात अहमद जी, जो नगर पंचायत नगरा के युवा नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और बिजनेस के माने में एक बहुत बड़ी हैसियत माने जाते हैं बड़े भाई दीप गुड्डू जी, आज इस समय वर्तमान में सभासद हैं, मैं इनसे मिलने आया हूं इस पर मुबारक जो ईद के पर्व पे इन लोगों से जो मिलकर एक भाईचारा, एक मोहब्बत पैदा करने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। और अपने तरफ से क्षेत्रवासियों, नगरवासियों के लिए क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे कि जिसके लिए भविष्य में आप किस तरह का राजनीति, चाहे किस दल पार्टी से, चाहे आपका क्या सोच है? मैं तो सबसे पहले इस ईद के पर्व पे पूरे देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ, इस समय जो है कि इस देश के जो प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती जिसको कहते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जब लोकतंत्र की खूबसूरती तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपना मत देने जाता है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को वोट देने जाइएगा तो पहले अपने देश के, अपने गाँव के, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख लेना, हमारे गाँव में क्या समस्याएं हैं, ये शिक्षा के स्तर को देख लेना, जो है कि रोजगार को देख लेना, और उसके साथ साथ आपके गाँव में जो है कि जर्जर तारे हैं, रोज जो है कि जो टूट रहा है। आपने गाजीपुर का मामला देखा होगा, एक बस जा रहा था उसमें 50 लोगों ने जो दुर्घटना में जलकर मर गए, उसको सारी समस्याओं को देखते हुए लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत।